Welcome to the solution series for CSIR NET June 2021. This is question 2 from General Aptitude. Question hai, the square of a 2-digit number with non-zero digits is the number itself preceded by the digit C. Then C is, okay, तो आपको एक 2-digit number दिया गया है. Let's say उस 2-digit number का unit place Y है और जो 10th place है वो X है. Okay. Then बोला गया कि जब आप इस number का square कर रहे हो तो आपके पास यही नंबर एक्स वाई आ रहा है और इससे पहले एक और डिजिट है, दैट इज सी. तो इस सी की वैल्यू बतानी है कि क्या है. तो 2-digit नंबर है, स्क्वेयर करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 3-digit नंबर आ रहा है. ओके, और दिया गया है कि ये जो दोनों डिजिट्स है वो क्या है, नॉन जीरो है. 2-digit है तो डेफिनेटली एक्स तो नॉन जीरो है, बट दिया गया वाई भी क्या है, नॉन जीरो है. तो सबसे पहली चीज आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस वाई है. स्क्वेयर करने के बाद भी इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, वाई आ रहा है. तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, उसका यूनिट प्लेस क्या हो सकते हैं, वाई की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें. लेट से आपने कोई नंबर लिया जिसका यूनिट प्लेस वाई है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे डिजिट्स आएगी और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वाई ही आए, वन ही आएगा, क्योंकि वन इंटू वन क्या होता है, वन होता है. ओके, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू वन है. देन आपने नंबर लिया और इस नंबर का यूनिट प्लेस लिया टू. इस नंबर का स्क्वेयर आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 2 into 2, दैट इज 4. तो यूनिट प्लेस जो होगा उसका पोर क्या होगा, 4 होगा. देन आपने नंबर का यूनिट प्लेस 3 लिया, स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 9. 3 into 3 इज 9. देन अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 लिया, इस नंबर का स्क्वेयर आप करोगे तो 4 into 4 16. तो यूनिट प्लेस आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. ओके, देन 5 लिया तो आपके पास यूनिट प्लेस 5 आ रहा है. 6 लिया तो आपके पास यूनिट प्लेस 6 into 6 36 आ रहा है. 7 लिया तो 7 into 7 49, तो 9 आ रहा है. 8 लिया तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. 9 लिया तो आपने क्या आ रहा, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 9 into 9 81 1 आ रहा है. ओके, 0, वाई की पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 लेने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. तो अब यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आपको क्या दिख रही है, 1 का स्क्वेयर करने के बाद 1 ही आ रहा है तो 1 हो सकता है. 2 का स्क्वेयर करने के बाद 2 नहीं आ रहा तो 2 नहीं पॉसिबल वैल्यू. 3 नहीं है, 4 नहीं है, देन 5 है, देन 6 भी है यहाँ पे, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है. तो यहाँ पे वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 1, 5 and 6 है. देन आप देख सकते हो कि 2-digit नंबर का स्क्वेयर करने के बाद 3-digit नंबर आ रहा है. तो वो नंबर्स कहाँ, उसकी रेंज क्या हो सकती है, सबसे छोटा 2-digit नंबर क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हो दोनों, तो आपके पास क्या है, 11 से स्टार्ट हो रहा है एंड अप टू 30 का स्क्वेयर करोगे 900 आएगा. 31 का स्क्वेयर करोगे तो 961 आएगा. देन 32 का स्क्वेयर आपके पास 1000 से अबव चला जाएगा, इट मीन्स दैट 4-digit हो जाएगा. तो यहाँ से जो 2-digit नंबर है ये एक्स वाई ही आपके पास इसी रेंज में लाइट कर सकता है, 11 से 31. एक्स्ट्रा आपको जो यूनिट डिजिट है वो पता है, या तो 1 है या 5 है या 6 है. अब जो क्या है 10th डिजिट है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 है और एक क्या है, 2 है, और 31 है, तो यहाँ पे 3 भी पॉसिबल वैल्यूज है. तो आपके पास नंबर क्या क्या आ जाएंगे, एक्स अगर मैंने 1 लिया तो और वाई की ये वैल्यूज थी 1, 5, 6, तो एट आ रहा है 11. देन नंबर पॉसिबल है 15, देन नंबर पॉसिबल है 16. देन अगर आपने 10th प्लेस क्या लिया, 2 लिया, तो आपके पास 2-1 पॉसिबल है, या फिर 2-5 पॉसिबल है, या फिर 2-6 पॉसिबल है. देन यूनिट प्लेस क्या लिया आपने, यूनिट प्लेस यहाँ पे 1 ले सकते हैं और 10th प्लेस क्या ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं. तो नंबर जो आया वो क्या आया, 31 आया. तो यही नंबर्स पॉसिबल है, एक्स वाई जो नंबर आपने लिया है वो यही पॉसिबल है. अब आप देख सकते हो कि नंबर का स्क्वेयर करने के बाद यहाँ पे क्या क्या आ रहा है. यहाँ पे अगर देखो तो 121 आ रहा है, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए था, इट मीन्स दैट नंबर आपका 11 नहीं है. देन 15 लिया तो 15 का स्क्वेयर होता है 225, तो 225 आप करोगे तो 15 आना चाहिए था यहाँ पे, बट 25 आ रहा है, इट मीन्स दैट ये चीज भी पॉसिबल नहीं है. देन 16 का स्क्वेयर करोगे तो आपके पास आएगा 256, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, इट मीन्स दैट एक्स वाई 16 नहीं है. देन 21 तो आपके पास नंबर स्क्वेयर जो आएगा वो क्या आएगा, 441 आएगा. 21 आना चाहिए था बट 41 आ रहा है, इट मीन्स दैट ये चीज भी पॉसिबल नहीं है. 25 लोड है तो आपके पास इस नंबर का स्क्वेयर करने के बाद क्या आ रहा है, 625 आ रहा है. ये 25 था और यहाँ पे आपके पास 25 ही आ जा रहा है, इससे पहले एक और डिजिट है विच इज सी. तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जा रही है, 6 आ जा रही है. अब इन दोनों केसेस में आप देखोगे तो आपके पास जो यूनिट और 10th डिजिट होगी वो यही नहीं आएगी जो यहाँ पे है,
तो ये नंबर्स भी पॉसिबल नहीं होते। तो इट मीन्स दैट आपके पास जो नंबर आपने लिया है वो 25 ही पॉसिबल है, और उस नंबर तक स्क्वेयर करने के बाद 625 आ रहा है। तो जो सी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, 6। इट मीन्स दैट ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सही ऑप्शन है। ओके,